जिला कराटे संघ ने ब्लैक बेल्ट प्राप्त कराते खिलाड़ियों का किया सम्मान। सरेखा और गर्रा ओवरब्रिज को राज्य वित्तीय समिति ने किया अनुमोदित। और कतिया समाज युवा संगठन ने नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का किया सम्मान। बालाघाट कराटे संघ द्वारा स्थानीय वेद लॉन में रविवार को ब्लैक बेल्ट प्राप्त खिलाड़ियों का ब्लैक बेल्ट प्रदान कर सम्मान किया गया। इसके अलावा जिला कराटे संघ के अध्यक्ष तपेश असाटी के कार्यकाल संपन्न होने के बाद देवेंद्र चंदेल को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे नवनियुक्त कराटे संघ जिलाध्यक्ष चंदेल का भी सम्मान किया गया। इस दौरान संघ के पदाधिकारी व कराटे खिलाड़ी मौजूद रहे। उन खिलाड़ियों का सम्मान होने जा रहा है जिन्होंने ब्लैक बेल्ट की डिग्री प्राप्त की है, और ब्लैक बेल्ट के लिए बहुत सारे बच्चे 8 साल 10 साल लग जाते हैं जब वो जाके डिग्री मिलती है, क्योंकि उसके पहले के जो हमारे व्हाइट बेल्ट होता है, ग्रीन बेल्ट है, येलो बेल्ट है, ऑरेंज बेल्ट, ये सबको प्राप्त करने 6-6 महीने 1-1 साल की डिग्री होती है, इनको प्राप्त करने में इतना साल लगता है। तो जो ब्लैक बेल्ट के बच्चे बहुत मेहनत के बाद यहाँ पहुँचे, तो उनके एक सम्मान स्वरूप हमने ब्लैक बेल्ट वितरण कर रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। बैहर भटेरा और रेलवे क्रॉसिंग को लेकर जमकर वाहवाही के बाद अब केवल 2 ओवरब्रिज को ही राज्य वित्तीय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसमें सरेखा और गर्रा रेलवे ओवरब्रिज शामिल है। ओवरब्रिज को स्वयं की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिस्से ने पत्रकारों से चर्चा की। सरेखा गोंदिया आरओबी 71 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री के हस्ते चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा के सामने 300 मीटर हनुमान चौक से लेकर के रेलवे क्रॉसिंग तक, 300 मीटर सरेखा से लेकर के वो आगे के 300 मीटर जाए हमारा प्रवेश द्वार का गेट लगा उसी कुछ पहले तक, और 300 मीटर बैहर बाईपास टी पॉइंट का हमें 900 मीटर रेलवे ओवरब्रिज विथ रेलवे क्रॉसिंग का लगभग 16 करोड़, जिसमें 29 करोड़ रुपया भूमि अधिग्रहण का भी पैसा समाहित है। 71 करोड़ रुपए की हमको वित्तीय प्रधान स्वीकृति मिली, जिसका टेंडर लगाया जा चुका है और टेंडर अंतिम चरण में, जब एल1 जिसका आएगा उसके बाद में उसे एग्रीमेंट होकर के उसकी निर्माण की कार्रवाई शुरू होगी। भूरा भगत कतिया युवा समाज संगठन के द्वारा रविवार को स्थानीय कमला नेहरू महिला मंडल में जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के नवनिर्वाचित पंच, सरपंच, पार्षद, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का सम्मान किया गया। इस दौरान युवा संगठन का जिलाध्यक्ष भूमेश्वर शिव को मनोनीत किया गया। लालबर्रा थाना के ग्राम बल्लापुर में एक महिला ने ओमाइट कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को सूचना मिलते ही मौके पर बालाघाट की एफएसएल टीम के साथ संयुक्त पहुंचकर धनवंता पति टेकचंद पटले 38 वर्ष का शव बरामद किया। सर्जनों के बयान दर्ज कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में पोस्टमार्टम कराकर शव सौंप कर मर्ग कायम किया है। बैया थाना अंतर्गत बोधा निवासी 3 दिन लापता 28 वर्षीय महिला का शव गांव के समीप जंगल में पेड़ पर फांसी में लटका मिला। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतका सुनीता पति शक्ति कुंबरे घर से 3 दिन पहले निकली थी, जो घर वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा पतासाजी के दौरान सुनीता की लाश रविवार को जंगल में पेड़ के फंदे पर लटकी देखी गई, जिसकी सूचना थाना में मिलने पर पुलिस द्वारा शव बरामद कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।